हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट और मैं हूं आपके साथ कृतिका। करण मेहरा की कथित गर्लफ्रेंड हिमांशी पराशर को मिला होम ब्रेकर का टैग, तो एक्ट्रेस ने तोड़ दी चुप्पी और कहा मुंह पर 3-4 पंच मार दूंगी। बिल्कुल सही सुना आपने, करण मेहरा और निशा रावल की शादीशुदा जिंदगी में आए तूफान के बीच हिमांशी पराशर भी लपेटे में आ चुकी हैं। करण मेहरा इन दिनों जी पंजाबी पर आने वाले शो मावा दी ठंडिया छावा में बतौर लीड एक्टर नजर आते हैं। इस शो में करण के ऑपोजिट हिमांशी पराशर भी दिखाई देती हैं। निशा और करण के बीच हुए हंगामे के बाद लोगों ने हिमांशी पराशर को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया। हिमांशी के सोशल मीडिया अकाउंट पर करण मेहरा ने ऐसे ऐसे कमेंट्स किए हैं कि हर किसी के होश उड़ गए। इस वाक्य के बाद लोगों ने हिमांशी को होम ब्रेकर का टैग देना शुरू कर दिया। लोगों के तानों को सुनने के बाद हिमांशी ने अपने कमेंट सेक्शन को भी ब्लॉक कर दिया। ऐसे में अब कोई भी उनके अकाउंट में जाकर अपनी भड़ास निकाल नहीं पाएगा। इस बीच हिमांशी के उस पोस्ट ने हमारा ध्यान खींचा जिसमें वो अपना गुस्सा जाहिर करती नजर आई हैं। बता दें कि हिमांशी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक फोटो शेयर की है। इसमें लिखा हुआ है, मैं शांत दिख सकती हूँ लेकिन मेरे मन में मैं तुम्हारे चेहरे पर 3 बार पंच मार चुकी हूँ। अब हिमांशी पराशर ने ये फोटो किसके लिए और क्यों शेयर की है ये बताने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, जब से करण और निशा का विवाद खड़ा हुआ है तब से ही करण और हिमांशी की रोमांटिक फोटोज भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसके बाद फैंस ने आड़े हाथों करण और हिमांशी को लेना शुरू कर दिया है। अब ऐसे में यही लग रहा है कि हिमांशी का ये पोस्ट उन फैंस के लिए है जो उन्हें होम ब्रेकर बोल रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही।